एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आपके काम को आसान बनाने वाली है। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये टिक्कियों को लेकर। हमने ये फलाहारी टिक्कियाँ बनाई हैं, तो हमने जो टिक्की बनाई है इसके अंदर बांटने के लिए कूटू का आटा भी मिक्स कराया है। तो इसकी टिक्कियों को बनाकर रख लिया है। अब हमने ये कूटू का आटा घोल लिया है, तो इसमें हमने सेंधा नमक और मिर्च ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट कर ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से घोट लिया है, तो बस इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसके जो घोल है वो कुछ गाढ़ा लग रहा है। तो हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और बस इसमें एक एक टिक्की डालकर हम छोड़ते जाएंगे। और हमने कढ़ाई को रख लिया है और हमें नॉनस्टिक की कढ़ाई में ही बनाना है क्योंकि इसमें चिपकती नहीं है। और इसमें हमने ऑयल को डाल दिया है और बस इसकी जो बोतल होती है ना, छोटी छोटी बिस्लहरी की है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की है, तो इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो हमने एक कटोरा गैस पर रखकर इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जो कटोरे होते हैं ना जिसमें कोई हैंडल नहीं होता है, तो उसे उतारने के लिए इस तरह के कैलिपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हम पकड़ भी कहते हैं। तो आप इसे कपड़े से ना उतारें क्योंकि कपड़े से कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हाथ होता है ना वो बर्तन पर ही लग जाता है और हमारा हाथ जल जाता है। तेज गर्म कर लेते हैं और इसको हम सीधा बॉटल में नहीं डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। और अब हमने इसे लोटे में कर लिया है, तो अब हम इसे बॉटल में लोटे से डालेंगे, तो इससे हमें करने में आसानी होगी और हमारा हाथ भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से हमने ये बोतल को तैयार कर लिया है और इसे बहुत ही अच्छी सिकाई लगती है क्योंकि आजकल खांसी हो रही है। और खास खास कर जो ये सरसों का तेल होता है ना, तो इसमें जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ये इसमें कड़वापन होता है और सब्ज़ी भी हमारी कड़वी लगने लगती है। इस तरीके से इसमें तेल को डाल करके चमचे से इस तरह से घोटते जाइएगा और कढ़ाई में ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें ज़रा भी कड़वापन या स्मेल नहीं रहेगी, सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी बनेगी और सब्ज़ी में टेस्ट भी आएगा। तो आप भी इस तरीके से करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऑयल सब्ज़ी के लिए तैयार है, तो बस इसमें हम अब अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसमें हमने जीरा और हींग ऐड कर दिया है और लाल मिर्च, हल्दी इस तरह से, और थोड़ी हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। बस इसमें हमने चॉप किए हुए और साफ़ किए हुए आलू डाल दिए हैं और बस इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम अपनी धुली हुई मेथी भी डाल देते हैं और ये बहुत ही अच्छी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में अदरक नहीं होता है, तो उसके बिना हम टेस्टी चाय कैसे बनाएं? तो ये ट्रिक है हमारी। तो इसमें हमने चार लौंग ली हैं और दो काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसको हम मूसली से क्रश करके इसमें डाल देते हैं। तो हमारी चाय रंगने लगी है और इसमें हमने स्वाद के अनुसार चीनी भी ऐड कर दी है और इसमें हमने आधा ग्लास पानी ऐड किया था और इसमें एक चम्मच चाय की पत्ती हमने ऐड की है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये आधा चम्मच अदरक पाउडर डाला है यानी कि सौंठ। जब अदरक सूख जाती है तो उसे जो पीस कर बनाया जाता है वो होती है सौंठ, तो हमने ये सौंठ को ऐड कर दिया है। इसलिए जब अदरक ना हो तो आप सौंठ का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब इसमें हमने दूध को ऐड कर दिया है और चाय को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसे इस तरह से घुमा घुमा कर बॉईल हमें करना है और चाय बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई है और खांसी को भी ख़त्म करेगी।